Bismillahirrahmanirrahim. Standard Capital Securities ka YouTube channel scstrade.com. मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी मार्केट है ये तकरीबन 51,000 पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर सकती है, दिखाई जा सकती है, जो कि थोड़ा सा ध्यानकेंद्र होगा हमें. वैसे ये है कि मुझे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी मार्केट कुछ मावजात की बुनियाद पे बेहतर लगती है. उसमें सबसे पहले तो ये कि कल वापस रूपी डॉलर पैरिटी 278 पे रिपोर्ट हुआ और इसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में वापस रैली आई, अच्छी चीज़ है. और ये भी कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो चुके हैं, ये मफूजा अब हमें इस सूरत में दिखाई दे रहा है कि यील्ड कर्व जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है. ये बहुत अच्छा साइन होता है दुनिया भर में इक्विटी मार्केट के लिए और क्यों ना हो BSX के लिए भी. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बिलमूम मीशत के लिए कि वापस इंडस्ट्री जो है वो कम इंटरेस्ट रेट्स पे कब्जे ले सकेंगी और पैदावार सलाहियत को बढ़ा सकेंगी, बेहतर कर सकेंगी. और दूसरी तरफ ये कि आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि हम ग्रोथ की तरफ जाते चले आएंगे 2-3 सालों में, ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है. रिफाइनिंग मार्जिन जो हैं वो अभी भी बरकरार है, बेहतर है, $16-17 पर टन, ये अच्छी चीज़ है. इस हवाले से मुझे लगता है कि जो नेशनल रिफाइनरी और टेट रिफाइनरी के फर्स्ट क्वार्टर के नतज हैं वो आगे चल के एक अच्छा उनका बेहतर परफॉर्मेंस उनकी कारकर्दगी होती हुई नज़र आ रही है. मैं समझता हूँ कि रिफाइनिंग सेक्टर को जो पहले बेनिफिट नहीं मिला करते थे एक्स रिफाइनरी प्राइस को, उस फिर ही बढ़ाया जाता था या कम किया जाता था जिस हिसाब से ऑयल प्राइस जो थी वो कम या ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब ये बेनिफिट तो एक तरह से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे दिया जाता था, वो अब ऑयल रिफाइनरीज को दिया जा रहा है. तो हम ये देख सकते हैं कि ऑयल रिफाइन सेक्टर जो है उनके जो किताब में नतज हैं वो बेहतर आना शुरू हुए. 2023 का फोर्थ क्वार्टर हो या फर्स्ट क्वार्टर हो, अब 2024 के फिस्कल ईयर का, तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त कारों को मद्देनजर रखना चाहिए. इसके अलावा मेज़बान बैंक का बहुत अच्छा डिविडेंड थर्ड क्वार्टर थर्ड इंटरिम रिपोर्ट हुआ 5 रुपये. ये है कि मेज़बान बैंक हमेशा प्रीमियम पे, अगर हम प्राइस टू बुक पे देखें एक फॉर्मूला वैल्यूएशन के हिसाब से बैंकों में हमेशा देखा जाता है, तो हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड होता है. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस टू बुक के डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं. पहले एक ज़माने में ये 2-2 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हुआ करते थे, अब ये रेशो जो है वो बहुत नीचे आई हुई है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि हमारी जो इस वक्त शेयर वैल्यूज हैं वो बहुत डिस्काउंटेड हैं. कल मैं कहीं सुन रहा था कि जो हमारी मार्केट कैप है वो तो बहुत ही नीचे है, 25-26-27 बिलियन डॉलर, जबकि एक ज़माने में हमारा मार्केट कैप बहुत ऊपर होता था 70-80 बिलियन डॉलर के आसपास. जबकि हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो वहाँ तो एक एक दो दो कंपनी के मार्केट कैप इतने होते हैं, यानी जो सब हमारी पूरी बाजार का मार्केट कैप है. बहरहाल मैंने ये बात यहाँ पर की. जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि डॉलर जो है वो वीक हो और PKR थोड़ा सा अगर मजबूत हो, तो ये जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जैसे फार्मा सेक्टर है वो APIs इम्पोर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा. और इस वक्त चूंकि इस हुकूमत ने उनको कुछ प्राइस बढ़ाने की भी इजाज़त दे दी है, तो फार्मा सेक्टर यहाँ पर मुझे जो चीदा चीदा स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो मुझे उनको नफ़े बेहतर होते हुए लगते हैं, जो पिछले सालों में ज़रा स्क्वीज़ हो गए थे, बहुत कम हो गए थे. जाते जाते मैं बात करूँगा पाक सुजुकी, इन्होंने बायबैक का कहा है और अपने उसमें लिखा है कि वो चूंकि लॉसेस में थे, डिविडेंड नहीं दे पा रहे थे और हम अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, नहीं तो उनकी पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर्स, तो इस वजह से हम बायबैक कर रहे हैं. मैं अपने जो हिस्सेदार हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जिसे उनको मशवरा दूंगा कि वो अच्छा बार्गेन हासिल करें कंपनी से, वो ऐसे ही छोटी मोटी प्राइस पे नहीं बेचें,
क्योंकि ये जाहिर बात है वहाँ यानी किताबों में बाज़ औक़ात आपको बुक वैल्यू उस तरह नज़र नहीं आएगी, जो कि वैसे जो है, जैसे आप जानते हैं कि बड़े प्राइस लैंड पे पार्क सुजुकी मोटर इस वक्त नेशनल हाईवे पे कराची में है, तो ये कि जो भी हिस्सेदार हैं वो अच्छी प्राइस बारगेन करें यानी कंपनी मैनेजमेंट से, मेरा ये मशवरा था। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो कंपनीज मैंने बोली हैं इनके रेशोज़ प्राइस टू बुक मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, प्राइस टू सेल्स मल्टीपल को देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.